भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज पर्थ में खेला जा रहा है और मैच की शुरुआत से ही भारत को एक एक करके झटके लगते रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 8वें विकेट के पतन तक 256 रन ही बना पाई है, वहीं इंडिया को 326 रनों के स्कोर तक पहुंचने के लिए अभी भी 70 रनों की ज़रूरत है। टीम इंडिया की तरफ से अभी ऋषभ पंत और उमेश यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर ऋषभ पंत ही इकलौते बल्लेबाज बचे हैं जो टीम इंडिया को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे दिन के मैच खत्म होने तक भारत 3 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। देखिए कैसा रहा भारत के तीसरे दिन की बल्लेबाजी। कल अजिंक्य रहाणे 51 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन आज शुरुआत में सबसे पहले उन्हीं का विकेट पतन हुआ। 51 रनों पर ही अजिंक्य रहाणे आउट हो गए। इनका विकेट कैच आउट किया टिम पेन ने, बॉलिंग करा रहे थे नेथन लियॉन। दूसरा विकेट हनुमा विहारी के रूप में गया, जॉस हेजलवुड ने इनका विकेट निकाला। 20 रन बनाकर यहाँ हनुमा विहारी आउट हो गए और उसके बाद यहाँ पे विराट कोहली 123 रन बना के आउट हो गए। और अभी ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद शमी 0 रन बना के आउट हो चुके हैं, ईशांत शर्मा 1 रन बना के आउट हो चुके हैं और फिलहाल उमेश यादव 2 रन बना के खेल रहे हैं। और यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम 326 का वो आंकड़ा छू पाती है या उससे पहले ही सिमट जाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।